Clash of Clans. So what's up Clashers, we are back again with a brand new video of Clash of Clans and आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अटैक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जिससे आप अपने टाउन हॉल 10 से इजीली 2-star कर सकते हैं टाउन हॉल 14 पे चाहे गाइस उस बेस का टाउन हॉल सेंटर में हो ओके सो आज आपको बहुत खतरनाक अटैक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ एंड जब भी मैंने टाउन हॉल 10 से लेजेंडली खेली है मैंने ओपोनेंट में टाउन हॉल 14 से काफ़ी बार फाइट की है तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं चालू सिखाते हैं आपको स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले तो आप आर्मी देख लो एंड हम दो बैलून्स यूज़ करने वाले हैं एंड 23 बेबी ड्रैगन्स 8 लाइटनिंग स्पेल्स 1 रेज स्पेल एंड 1 फ्रीज एंड इन क्लैन कैस्टल यू नीड टू टेक 1 ब्लिंप एंड 1 फ्री स्पेल एंड 11 स्नीकी गॉबलिन्स विद 2 गॉबलिन्स ओके सो ऐसे कुछ हमारी आर्मी है गाइज और आइए आपको अब सीधा लेके चलता हूँ वॉर में एंड रीप्ले दिखाता हूँ ज़रा कैसे मैंने TH14 को डिफीट किया है सो हियर वी गो थर्ड नंबर जो कि टाउन हॉल 14 है उस पर मैंने अटैक किया है तो आइए ज़रा आपको दिखाते हैं ऐसा कुछ हमारे एनिमी का बेस है एंड सबसे पहले तो आपने आर्मी देख ही लिया बहुत इजी आर्मी है एंड मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आप सभी को इस अटैक के बारे में एंड एक और चीज़ यार अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे इस स्ट्रैटेजी से आपकी हेल्प हो तभी यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है बहुत सपोर्ट मिलता है ओके सो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है आउटर साइड में जो भी एयर डिफेंस होगा हम 4 लाइटनिंग स्पेल से 1 एयर डिफेंस टेक डाउन कर सकते हैं सो अभी इधर हम टेक डाउन करेंगे इस एयर डिफेंस को एंड इस एयर डिफेंस को और आप इस एयर डिफेंस को भी टेक डाउन कर सकते हो बिकॉज आपको दोनों आर्चर टावर मिल जाएगा बट मैंने सोचा कि उससे बेटर हम इन दोनों को टेक डाउन करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स हमें मिल जाएंगी ईजिली सो चलो यार अटैक चालू करते हैं दिखाता हूँ आपको 4-4 एयर डिफेंस डाल के हम दोनों एयर डिफेंस को टेक डाउन करेंगे इधर सो लेट्स सी गाइज इधर हेयर वी गो हमें 7% मिला लाइटनिंग स्पेल से अब आपको मेन बताता हूँ क्या सीन रहने वाला है इधर वॉल के बाहर भाई जितनी भी बिल्डिंग्स रिसोर्सेज स्टोरेजेस हैं आपको विद द हेल्प ऑफ बेबी ड्रैगन्स क्लियर करनी है ओके एंड जहाँ आपको लगे सीकिंग एयर माइन हो सकता है वहाँ पहले बैलून ड्रॉप करना है देन अपने बेबी ड्रैगन्स डालने हैं नहीं तो बहुत दिक्कत देंगे भाई सीकिंग एयर माइन तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं आगे आप देख सकते हो बेबी ड्रैगन्स मैंने डिप्लॉय कर दिए हैं क्वीन को आपको अभी बचा के रखना है एंड सिर्फ किंग को डिप्लॉय करना है जहाँ भी ज़्यादा बिल्डिंग्स हो एंड सिंगल इन्फर्नो की रेंज ना हो वहाँ पे ओके गाइज ऐसा कुछ सीन है किंग का तो चलो अभी बेबी ड्रैगन से ही मैं सारा बाहर का बिल्डिंग्स क्लियर करने की ट्राई कर रहा हूँ इधर मैंने किंग को इसलिए डाला है ताकि ये इस पोजीशन में जाए एंड हम ट्राई करेंगे इस एयर डिफेंस को टेक डाउन करने की अपनी क्वीन से सो चलो भाई किंग की तो बहुत बुरी पिटाई हो गई है एंड बेबी ड्रैगन से गाइस काफ़ी अच्छी फनलिंग कर दिया हमने आप जैसे कि देख सकते हो भाई सारी आउटर रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग्स क्लियर कर डाली है हमने एंड अभी भी हमारे पास काफ़ी बेबी ड्रैगन्स रहते हैं तो इससे हमें 50% सिक्योर करना है पहले तो आप देख सकते हो 40% हो गया है एंड इधर 42 हो गया है 43 तो इधर हम ट्राई करेंगे गाइस एयर डिफेंस टेक डाउन करने की हो जाए तो बहुत बढ़िया वरना कोई दिक्कत नहीं है हमारे को क्योंकि 50% ईजिली हो जाएगा हमारा विदाउट एनी प्रॉब्लम विद आर बेबी ड्रैगन्स क्योंकि 23 बेबी ड्रैगन्स इनफ होते हैं यार ऑल्सो अगर आपके पास हीरोज़ रहें सो इधर देखो एयर डिफेंस भी टेक डाउन कर दिया एंड अब जो सबसे मेन चीज़ है इस अटैक की वो है गाइस कि आपको अपने बैटल ब्लिंप को टाउन हॉल तक लेकर जाना है एंड आपको ध्यान रखना है इन एयर स्वीपर्स का और आपको अपने पास लास्ट तक एक रेज स्पेल और फ्री स्पेल बचा के रखना है अपना फ्री स्पेल आपको पहले डिप्लॉय नहीं करना है किधर भी भाई बेस पे ठीक है अगर तो आपने अपना ब्लिंप डिप्लॉय किया और आपके ब्लिंप पर टारगेट कर दिया ईगल आर्चरी ने ओके ईगल आर्चरी ने अगर टारगेट कर दिया तो आपको क्या करना है भाई इसको फ्रीज कर देना है एंड टाउन हॉल पे रेज डिप्लॉय कर देना है ताकि जैसे ही ब्लिंप जाकर इधर फूटे स्निकी गॉबलिन्स को इतनी तगड़ी ताकत मिले कि बूम बाम बैंड बजा डाले टाउन हॉल की बट अगर ईगल आर्टरी टारगेट नहीं करता है इसको तो आपको
टाउन हॉल पे फ्री स्पेल डालना है ओके गाइस। बट मैंने इधर क्या किया, दोनों के दोनों अपने जो मेरे फ्री स्पेल थे मैंने एयर स्वीपर पे डाला, ताकि मैं नहीं चाहता था मेरे ब्लिम को कोई प्रॉब्लम आए। एंड आप देख सकते हो मेरा ब्लिम्प सीधा जाके टाउन हॉल पे फूटा है, उसमें से स्नीकी गॉबलिन्स निकले हैं, रेज स्पेल डाल रखा है। सो जरा भी अगर पावर देखना आप स्नीकी गॉबलिन्स की गाइस, देखो भाई क्या टाउन हॉल टूटेगा, अब दीवार तोड़ के टाउन हॉल तोड़ा है हमारे स्नीकी गॉबलिन्स ने। सो आप अभी पावर देख सकते हो भाई कि कितनी खतरनाक पावर रहती है हमारे स्नीकी गॉबलिन्स की, वो भी रेज स्पेल के अंदर। तो भाई मैंने टाउन हॉल 10 से इस टाउन हॉल 14 को कर दिया है 2 star easy with 54% and here the replay ends। अगर आपको मेरी अटैक स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, इससे आपकी आगे जाके हेल्प हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं विद अनदर अमेजिंग स्ट्रैटेजी। तब तक के लिए यार कीप प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। साइनिंग ऑफ, ओजू प्लेज़।